पंचकुला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, भागने के चक्कर में बैरिकेड्स और कर्मियों को मारी टक्कर, दो पकड़े। पंचकुला जिले में पुलिस और वाहन चोरी करने वाले बदमाशों के बीच बुधवार सुबह मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर की यह कार्रवाई तब हुई जब बदमाश पंचकुला के रायपुर रानी मट्टा वाला मार्ग पर भागने का प्रयास कर रहे थे और पुलिस उनका पीछा कर रही थी। इस दौरान भागने के चक्कर में बदमाशों ने पुलिस के बैरिकेड्स और कर्मियों को टक्कर मारने की भी कोशिश की, साथ ही पुलिस पर गोलियां भी चलाई। दो बदमाशों को किया काबू। बदमाशों की गोलीबारी में किसी पुलिस कर्मी को नुकसान न पहुंचा। वहीं अपने बचाव और बदमाशों को पकड़ने के लिए जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो बदमाश काबू कर लिए। कुछ बदमाश इस दौरान फरार हुए बताए जा रहे हैं कि जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस तबिश दे रही है। नाकेबंदी कर पंचकुला किया सील। बताया जाता है कि बुधवार तड़के पुलिस का डिटेक्टिव स्टाफ गुप्त सूचना पाकर वाहन चोरी करने वाले इन बदमाशों की गाड़ी का पीछा कर रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश चोरी की गाड़ी में सवार है। सूचना के बाद पूरे पंचकुला को नाकेबंदी कर सील कर दिया गया। वहीं पुलिस नारायणगढ़, अंबाला और यमुनानगर पुलिस को बदमाशों की सूचना देकर ठिकानों पर दबिश दे रही थी। बदमाशों को लेकर पूछताछ के लिए पुलिस रवाना। इस बीच जब पुलिस कर्मियों ने बदमाशों की घेराबंदी की तो उन्होंने गाड़ी से बैरिकेड्स तोड़ कर्मियों को टक्कर मारने की भी कोशिश की। बदमाशों ने भागने के लिए पुलिस पर फायरिंग तक कर दी। पुलिस ने भी डटकर बदमाशों की फायरिंग के जवाब में अपनी कार्रवाई की और दो बदमाशों को धर दबोचा। बदमाशों को लेकर पुलिस पूछताछ के लिए रवाना हो गई है।